हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक हैं। और अभी जो है सुबह का समय हो रहा है, 6:30 हो रहा है। अब मैं मतलब नहा के जो घर के काम होते हैं वो सब मैंने कर लिए हैं और मैं छत पर आ गई थी पूजा करने, जल चढ़ाने तुलसी जी को, सूर्य देवता को। और मैंने फ्लावर भी यहीं से तोड़ लिया है। ज़्यादा तो नहीं खिलता है, मैंने आपको दिखाया, पर जो चांदनी है वो थोड़ा बहुत मिल जाता है चढ़ाने के लिए। और जो बैकग्राउंड में आवाज़ आ रहा है ना, वो बारिश हो रहा था तो हवा चल रहा है उसी का आवाज़ आ रहा है। मैंने पूजा कर लिया है और बच्चे भी उठ गए हैं वो लोग नहाने के लिए, तो मैं अभी जो बेडशीट है वो सही कर दूँगी। इसी रूम में मैं और बच्चे सो जाते हैं, हस्बैंड पीछे वाले रूम में सो जाते हैं, तो मैं अभी बेडशीट ही सही कर रही थी। फिर मैं जाऊँगी, चाय बनाऊँगी और पानी पी लूँगी, चाय नाश्ता वगैरह कर लूँगी, बच्चों को भी करा दूँगी, क्योंकि आज 9 बजे से बच्चों का ऑनलाइन क्लास चलेगा। और बहुत ठंडा मौसम हो गया था, मैं क्या बताऊँ। और जो बारिश हो रहा था ना, उसका जो छींटा मुंह पे आ रहा था तो बहुत अच्छा लग रहा था, उसी का बैकग्राउंड में आवाज़ आप सभी को आ रहा है, तो सॉरी फ्रेंड्स। तो मैं ना अभी पीछे वाले रूम में आ गई हूँ वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए। मैंने दरवाज़ा भी बंद कर लिया है, बाहर बच्चे हैं। मैं बोली तुम लोग बैठो, मैं अभी जो है आवाज़ रिकॉर्ड करके आऊँगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने चाय चढ़ा दिया है और इधर दूध रख दी हूँ, और चाय जब बन जाएगा मैं पी लूँगी, फिर उसके बाद से मैं लंच की तैयारी कर लूँगी। और अभी जो है दोपहर के 1:30 बज रहे हैं। और ये मैंने जो छत पे लगाई थी ना विंग चाइन, ये टूट गया था, आंधी बहुत तेज़ आया था तो टूट गया था ये, तो वो मैं छत पे गई पूजा करने तो मैंने देखा कि टूटा है, तो मैं नीचे लेकर आ गई कि जब खाली हो जाऊंगी तो मैं इसे बना दूंगी और फिर से मैं टांग दूंगी इसे, क्योंकि इसमें से जो वाइज निकलती है ना वो हमारे घर से निगेटिव जो एनर्जी होती है उसे आउट करती है और पॉजिटिव एनर्जी को वो घर में मतलब एंट्री करती है, तो इसलिए मैं इसे हमेशा टांग देती हूँ। और बारिश बहुत तेज़ हो गई है। और फ्रेंड्स, अभी मैं जब मैंने ये लगा लिया था फिर मैंने सभी को लंच करा दिया। और आज मैं जो लंच में मैंने कुछ भी आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि जिस समय मैं लंच बना रही थी उसी समय रुपेश और छवि का क्लास चल रहा था, इसी वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और अभी हस्बैंड भी आ गए नहाकर, तो मैं उन्हें भी लंच करा दूँगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने आज लंच में क्या बनाया था। मैंने आज बनाया था दाल चावल गट्टे की सब्जी रोटी, सिंपल थाली थी, मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं बनाया था, जैसे कि मतलब पकौड़ी वगैरह नहीं मैंने बनाई थी। और एक ही सब्ज़ी था, जब गट्टे की सब्ज़ी बनाती हूँ तो मैं एक ही सब्ज़ी रखती हूँ, क्योंकि समझ में नहीं आता है ना, कई सब्ज़ियाँ होती हैं तो समझ में नहीं आता है कि हम क्या खाएँ। और वैसे भी जब मैं गट्टे की सब्ज़ी बनाती हूँ तो मैं सिर्फ तो और कोई सब्ज़ी नहीं मैं बनाती हूँ। और जो गट्टे की रेसिपी है फ्रेंड्स, मैंने उसका वीडियो भी बनाया है और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं गट्टे की सब्ज़ी की रेसिपी। और सब्ज़ी भी मैंने वाश कर लिया था, हस्बैंड लाए थे तो उसके वाश करके मैंने रख दिया था। और फिर हस्बैंड बोल रहे थे कि प्याज भी काट करके दे दो, तो मैं वही प्याज काट रही हूँ। और जो टोकरी में आप सब्ज़ी देख रहे हैं ना, मैं उसे अभी जब वो ड्राई हो जाएंगे तो उन्हें मैं फ्रिज में लगा दूँगी। और हस्बैंड लंच कर चुके हैं तो अभी मैं आ गई हूँ। अब जो सब्ज़ियाँ मैंने धुल के रखी थी ये ड्राई भी हो गई हैं, अब मैं इन्हें लगा दूँगी। अभी तो सब्ज़ियाँ भी बहुत महंगी हो गई हैं, बारिश की वजह से खेती उसकी ख़राब हो गई है, इसलिए सब्ज़ियाँ भी काफ़ी महंगी मिल रही हैं। तो हस्बैंड जो हैं वो लेके आए थे बोड़ा, भिंडी, परवर, यही सब जो इस समय सीजन का जो सब्ज़ियाँ होती हैं वही वो लेके आए थे, और टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, यही सब लाए थे। तो मैं अभी उसे लगा देती हूँ। और रुपेश और छवि पढ़ के थक गए थे, बोल रहे थे कि हम थक गए मम्मी, अब हम टीवी देखेंगे, तो वो अभी टीवी देख रहे हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और मैंने ये सारी सब्जियों को लगाने के बाद जितना उसमें से गंदगी निकली थी ना उसे इस प्लास्टिक में रख दूंगी, और बाद में जब वो बाहर जाएंगे तो मैं बाहर उसे मतलब फेंकवा दूंगी। साइड में जो है हम लोग कूड़ा जो है साइड में फेंक देते हैं, बगल का प्लाट जो खाली है वहीं पर, और फिर उसे हम लोग हफ्ते में एक दिन उसको जला भी देते हैं, कूड़ा सारा जल जाता है। और अब मैं किचन का सारा काम करके लाइट ऑफ करके अब मैं जा रही हूँ इसे छत पे टांगने। और ये देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा लग रहा है, इसका आवाज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अभी छत पे जाऊँगी, मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है तो मैंने सोचा कि चलो अभी मैं इसे अब मतलब छत पे टांग देती हूँ। दूर 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 दूर।
ड्रॉप कर दूँगी स्टॉप। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे यहाँ पे हैंग कर दिया है और कितना अच्छा लग रहा है। और सावन के महीने में तो जो प्लांट्स होते हैं ना, वो इतने ग्रीन हो जाते हैं कि बहुत अच्छा। और मेरी छत पे अगर आप खड़े हो जाएंगे ना, तो चारों तरफ सिर्फ आपको ग्रीन ग्रीन दिखेगा, बहुत अच्छा लगता है। और अभी थोड़ा सा पता नहीं मौसम कैसा हो रहा है, धूप थोड़ी देर में हो जा रही है, थोड़ी देर में जो है वो छांव हो जा रही है। मैं सारे कपड़े उतार लेती हूँ क्योंकि कब बारिश हो जाएगा नहीं पता। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये गुड़हल है जो मैंने लगाया था ना, वो इतना बड़ा हो गया है। नीचे का मनी प्लांट मैंने यहाँ पे ला के रख दिया है। और ये चांदनी है, इसमें फ्लावरिंग हो रही है। और ये ऐसे ही, इसका नाम मुझे नहीं पता है, ये रोज़ है, ये भी खिल रहा है। और ये हरी श्रृंगार है, अभी इसमें कोई फ्लावरिंग नहीं हुई है। और इसका भी नाम मुझे नहीं पता है, पर बहुत खूबसूरत लगता है जब ये पूरा फ्लावरिंग लेता है, तो बहुत खूबसूरत लगता है। और मैं सभी आपको जितने मेरे घर में प्लांट हैं, मैं अभी दिखा देती हूँ। और सावन में तो काफ़ी अच्छा लगता है प्लांट्स को देख के, बिल्कुल जैसे लगता है कि ये बारिश से नहा ही चुके हैं और ये खिल जाते हैं बिल्कुल। जैसे हम मुस्कुराते हैं तो ये पानी जब इनके ऊपर बारिश होती है ना, तो ये भी लगता है कि मुस्कुरा रहे हैं। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ फ्रेंड्स कि मैंने जो हैंग किया था ना प्लांट को, उसे मैंने फिर से हैंग कर दिया है। तो ये देखिए कैसा लग रहा है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ से नहीं दिख रहा है, मैं आप सभी को बाहर से दिखाती हूँ एक बार। ये देखिए फ्रेंड्स, और ये हैंग करने के बाद बहुत खूबसूरत लग रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोग के साथ भी शेयर कर दूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, शाम के हो रहे हैं, 3 बज रहे हैं, और मैंने अभी अपने लिए ये मूंगफली का दाना मैं भून रही हूँ। और यहाँ चाय मैंने रख दी है बनने के लिए, तो मैं अभी इसे भून ले रही हूँ, और जब ये भून जाएगी तो मैं इसे खा भी लूँगी। और इधर मैंने चाय चढ़ा दी है, ये देखिए। तो अभी मैं आपसे मिलती हूँ चाय पीने के बाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, कैसे हैं आप? आई होप आप बिल्कुल ठीक हैं। और अभी मैंने सारे जो काम होते हैं, रूटीन के वर्क होते हैं, मैंने वो सारे वर्क कर लिए हैं। और अभी मैंने आपको दिखाया था कि मैं चाय और मूंगफली का दाना मैं भी खा ली हूँ, फिर मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी आप लोगों से बातें कर लूँ, क्योंकि काम तो चलता रहेगा, पर थोड़ी सी बातें कर लूँ आप लोग से। बात करने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आज मैंने मतलब बात की आप लोगों से, मुझे बहुत अंदर से बहुत हैप्पीनेस महसूस होता है और मैं बहुत खुश हो जाती हूँ आप लोग से बात करने के बाद से। छवि यहाँ पे खेल रही है, तो मैं उसी को देख रही हूँ कि वो कहीं इधर उधर ना चली जाए, क्योंकि वो आजकल बाहर मतलब सामने ही वो चली जाती है खेलने के लिए, तो दिन में भी वो चली जाएगी। खैर मौसम तो बहुत अच्छा है, वो चली जाएगी तो भी कोई बात नहीं है। और काला बादल सामने से आ रहा है, लग रहा है बारिश आज भी होगी। तो मैं ना आप लोगों को कुछ दिखाना चाह रही थी, तो ये देखिए फ्रेंड्स। और आज जो है ना, मैंने ये मतलब कल मैंने ये लेके आई थी इसे। ये देखिए कितनी प्यारी है चूड़ियाँ, हरी हरी, और मुझे बहुत अच्छी लगती हैं चूड़ियाँ। आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि डिज़ाइन कैसी है। ये कंगन की मैं डिज़ाइन आपको दिखा रही हूँ, सिर्फ कंगन की। कंगन का सेट भी बहुत प्यारा था, और मैंने लोकल मार्केट से ही लिया था, मैं बाहर नहीं गई थी, ऑनलाइन से मैंने नहीं मंगाया था, मैं लोकल मार्केट से ही लेके चली आई थी। मुझे ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ता, हमारे यहाँ मतलब जब हम मेन सड़क पे जाते हैं, मैं कभी आपको ज़रूर दिखाऊंगी, तो वहाँ पर हमें सब कुछ मिल जाता है, जितनी भी ज़रूरत की सामान, लेडीज़ का सामान हो गया, सब्जियाँ, जो राशन के सामान हो गए, वो सब कुछ मिल जाते हैं, बहुत ईजिली मिल जाते हैं। तो मैंने सोचा मैं आप सभी को दिखा देती हूँ कि ये देखिए, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मैंने सोचा मैं आप लोग को भी कंगन दिखा दूँ, चूड़ी दिखा दूँ। और आज मैंने ब्लॉगिंग जो है वो सुबह से ही शुरू कर दी थी, मॉर्निंग से, तो अब से जो हमारा वर्कलोड है वो और ज़्यादा हो गया है, क्योंकि बच्चों को क्लास कराना, उसके बाद उनका होमवर्क कराना, फिर घर का जो रूटीन का वर्क होता है वो कराना। और अभी मैंने सारे काम कर लिए हैं, आज मैंने कोई रेसिपी आप लोग से शेयर नहीं की है, तो मैंने सोचा कि इसी वजह से बच्चों का क्लास चल रहा था, तो मैं कोई रेसिपी जो है वो शूट ही नहीं कर पाई, क्योंकि जो जिस समय मैं लंच बनाती हूँ उस समय बच्चों ने ही फ़ोन लिया था, उनका ऑनलाइन क्लास चल रहा था, तो इस वजह से मैंने रेसिपी रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई। पर मैंने आपको दिखाया था कि मैं लंच में आज क्या बनाई हूँ, और अभी मैं शाम को कुछ बनाऊँगी, आज मेरा व्रत है गुरुवार का,
तो मैं शाम को कुछ बनाऊंगी तो मैं आपको ज़रूर रेसिपी शेयर करूंगी आप लोगों से, तो शाम के काम में लग जाऊंगी और शाम को मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी जो भी रेसिपी मैं बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो आप सभी को कैसा लगता है प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में, अपने फैमिली मेम्बर में शेयर भी ज़रूर करिएगा। बस अभी मैं मिलूंगी आप लोग से शाम को। उसमें देखो तो आज का डिनर मेरा ये है और जो साईं बाबा का व्रत रहते हैं तो उसमें हमें रात को अन्न खाना रहता है, तो मैंने अपने लिए बिना लहसुन प्याज का पराठा बना लिया है आलू का, और ये मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ। तो मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है, फिर मैंने इसमें लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बनाया था उसे डाल देती हूँ, थोड़ा सा उसे सौते कर लूँगी। फिर इसमें रूटीन के मसाले डाल दूँगी जैसे कि हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और ये नमक स्वाद के अनुसार, और थोड़ा सा गरम मसाला डाल दूँगी और फिर मैं थोड़ी देर ही भूनूँगी इसको, ज़्यादा टाइम तक नहीं भूनूँगी। और ये सारे मसाले मैंने आलू में, जो आलू उबाल के मैंने रखा था उसे मैश करके, तो मैं उसमें डाल दूँगी और अच्छी तरीके से पूरे आलू में इसे मिक्स कर दूँगी कि जो मसालों का फ्लेवर है पूरे आलू में अच्छी तरीके से वो एब्जॉर्ब हो जाए। फिर मैंने आटे के पेड़े बना लिए हैं और उसे पूरी जितना बड़ा मैंने बेल लिया है, और जितना भी बैटर आप इसमें फील करना चाहते हैं उतना बैटर आप ले लीजिए, वो आपकी इच्छा के अनुसार से आप जितना लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। फिर बैटर को अंदर फील कर देंगे अच्छी तरीके से, फिर इसे कुछ इस तरह से आप लोई बना लेंगे और इसे हाथों की हेल्प से फैला लेंगे, इससे आसानी से जो हमारा पराठा है वो बेलने में हमें आसानी होगी, और हल्के हाथों से प्रेस करके इसे बेल लेंगे। फिर इसी तरह से मैं सारे पराठों को बेल लूँगी और आज का ब्लॉग जो है वो यहीं तक है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा ब्लॉग आप सभी को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं हम दूसरे वीडियो में। गुड नाइट फ्रेंड्स।